नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। आईबी के अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं राजधानी पटना के तमाम छात्रावासों में पुलिस की दबिश पड़ी है। शनिवार का ये मामला है जहां पे लगभग राजधानी के 5 थाना क्षेत्रों में हॉस्टलों में लगातार पुलिस की दबिश पड़ी, जिसमें कि कई संदिग्ध सामान बरामद हुए थे। उसी मामले की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के पटेल हॉस्टल से एक कमरे से कहीं ना कहीं विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ है। जिस मामले की अगर बात करें हम, तो क्या कुछ कह रहे हैं थाना प्रभारी, आइए पहले वो सुनवाते हैं आपको। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से छात्रावासों में लगातार पुलिस की दबिश जारी है, इसी कड़ी की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व छात्रावासों के कमरों को अवैध रूप से कब्जाए रहते थे, जिसको लेकर पुलिस की दबिश यहां पर पड़ी और यहां से विस्फोटक सामान जो है वो बरामद किया। छात्रावासों के लगातार छापेमारी के दौरान विस्फोटक बरामद किया, क्या है पूरा कुछ मामला सर? अपराध नियंत्रण की दृष्टि से पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में छापेमारी की गई थी। इसी क्रम में पटेल छात्रावास से करीब 1100 ग्राम बारूद, 6 स्टील का केन और सुतली तार और टेप इत्यादि जो बम बनाने में सामग्री प्रयोग होती है, इसकी बरामदगी हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दी गई। तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।